तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में भाई। अभी अभी जस्ट मैं हेयर कट लेके आया हूँ, शायद पिछली वीडियो हेयर कट वाली होगी तो जाके देख सकते हो भाई कितना महंगा हेयर कट था यहाँ पे। तो उसी हिसाब से मैंने जेब में पैसे रख लिए हैं, बहुत सारे मैंने रख लिए हैं, कुछ थोड़े हेयर कट वाले को भी देने हैं या तो उसको कल दे दूँगा क्योंकि रास्ता अलग है और फिर थोड़े रेस्टोरेंट में भी खर्च होएंगे। तो भाई देखो ये मेरी एक तरह की सीरीज़ है, मतलब जैसे मैं बनाता हूँ ना हाउ एक्सपेंसिव इज़ दिस कंट्री, कितना एक्सपेंसिव है, कितना खर्चा है इस कंट्री में, तो मैं हमेशा बनाता हूँ भाई इंडियन रेस्टोरेंट की वीडियो। मैंने नहीं सोचा था भाई इस देश में मैं इंडियन रेस्टोरेंट की वीडियो बनाऊँगा क्योंकि मेरे को लग ही नहीं रहा था कि भाई यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट होगा। पर जब मैंने ऑनलाइन सर्च किया इंडियन रेस्टोरेंट नियर मी लिखो गया तो भाई तीन आ गए, उसमें से एक का नाम था द इंडिया गेट। मैंने कहा भाई ये तो बिल्कुल इंडियन रेस्टोरेंट लग रहा है, मतलब नाम भी वही है, फिर उसकी फ़ोटोज़ भी थी, फिर रिव्यूज़ भी थे उस पर, तो मैंने कहा भाई ये तो मतलब बिल्कुल इंडियन ही है यार। मैं हैरान हो गया यार, बिल्कुल मतलब सहारा डेजर्ट में यार, ये रेगिस्तान वाले देश में कौन खोल रहा है यार इंडियन रेस्टोरेंट, मतलब मैं तो यार यहाँ लोग विजिट नहीं करते, यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट क्यों खोला है बंदे ने। देखो मेरे यहाँ पे साउथ अफ्रीकन एम्बेसी है और मतलब ये पूरा एम्बेसी एरिया है जहाँ पे मतलब मेरा हॉस्टल है। भाई मैंने कहा यार ये तो देखना पड़ेगा कैसा क्या टेस्ट वगैरह है यहाँ पे। फिर मैंने भाई कल उनको फ़ोन किया इंडियन रेस्टोरेंट वाले को, अराउंड 6 बजे नहीं दोपहर में गया था, मेरे को दोपहर में थोड़ी भूख लग रही थी, मैंने कहा चलो आज इंडियन रेस्टोरेंट पूरा पेट भर के खा के आते हैं। तो दोपहर में मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा भाई आज तो बंद है हमारा रेस्टोरेंट, आप रेस्टोरेंट खुलेगा कल। मैंने कहा भाई बंद क्यों है, तो मतलब हिंदी बोल रहा था वो बंदा, तो कहता बंद है आज की छुट्टी है, कल खुलेगा सुबह 10 बजे खुल जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई कल सुबह 10 बजे आ जाएंगे, पर सुबह तो जाने का फ़ायदा नहीं ना, अभी बज रहे हैं शाम के 7, लग नहीं रहा होगा 7, मेरे को भी लग रहा 7 बज रहे हैं, मेरे को लग रहा 5-1 बज रहे हैं, पर अभी सुबह शाम के 7 बजने वाले हैं, बज ही गए लगभग। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखते हैं भाई कि कितने रुपए का इंडियन खाना मिलता है अगर आप मॉरिटेन विज़िट करते हो, आपको यहाँ का खाना नहीं खाना है तो यहाँ पे कितने रुपए का खाना मिलता है। शॉर्मा मैंने एक जगह खाया था कैफ़े में, मतलब यहीं हॉस्टल के पास ही है, कबाब शॉर्मा, मतलब जो मेरे साथ अफगानी बंदा था वो खाता था, तो वो भी 100 का था, 100 का मतलब 200 रुपए का, और जो मैं चिकन शॉर्मा खाता था वो भी 100 का था, मतलब 200 का, और अच्छा खासा कैफ़े था, मतलब रेपूटेड कैफ़े कह सकते हो आप उसको। ठीक है तो अब यहाँ पे देखते हैं भाई इंडियन रेस्टोरेंट में क्या हाल है। 270 मीटर है बस मेरे वाले हॉस्टल से, तो पैदल ही चल के जा रहा हूँ, अभी GPS लगभग पहुँच गया, आधे रास्ते पहुँच चुका हूँ। तो देखते हैं भाई कितना क्या महंगा, मेरे हिसाब से यार जिस हिसाब से यहाँ पे खाना है उस हिसाब से मेरा खाना हो जाना चाहिए यार 1000 रुपये के करीब, उससे कम मतलब उससे ज़्यादा नहीं लगने चाहिए भाई मेरे हिसाब से, पर होने कुछ भी हो सकता है क्योंकि इंडियन रेस्टोरेंट हमेशा बहुत महंगे रहे हैं, और इज़राइल में था सबसे महंगा इंडियन रेस्टोरेंट जो मैंने आज तक विज़िट किया है। ये मेरे जो आप लेफ्ट साइड पर मेरे लेफ्ट साइड पर देख रहे हो ये भी एक एम्बेसी है, जो मेरे राइट साइड में आप देख रहे हो ये भी एक एम्बेसी है, और ये तो कुछ और है, तो काफ़ी अच्छा एरिया, और शाम को कितना सुहाना मौसम हो जाता है, अभी बाल कटवाए नहाया और बस ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बस ये आ गई मेन रोड, मेन रोड से लेफ्ट जाना है और यहीं कहीं GPS के हिसाब से तो यहीं कहीं है, पर इस देश में मेरे को GPS ने 2 बार तो धोखा दे दिया है, वेस्टर्न यूनियन की गलत लोकेशन बताई, मोरक्को एम्बेसी की गलत लोकेशन बताई, बिल्कुल गलत भाई, मतलब बिल्कुल ही गलत। तो शायद यही होगा वो रेस्टोरेंट जहाँ ये टावर सी लगी हुई है, देखते हैं भाई सहारा डेजर्ट में इंडियन रेस्टोरेंट। और आपको वो डेजर्ट क्यों कह रहा है भाई, भाई देखो ये रोड है भाई यहाँ की, ठीक है डेजर्ट है भाई ये। भाई ये आ गया अपना इंडिया गेट रेस्टोरेंट, चलो चलते हैं भाई इसके अंदर अब। तो ये है भाई अपना इंडियन रेस्टोरेंट मॉरिटेनिया में, कोई तो मतलब इतनी सीटिंग है, और अभी बंदे से पूछेंगे भाई कि यहाँ पे कितने इंडियन लोग आते हैं, हम कौन खाना खाते हैं, सेम क्वेश्चन जो मैं हर वीडियो में पूछता हूँ। ये मेन्यू है भाई, मैंने अभी ऑर्डर किया पनीर बटर मसाला, 3 रोटी और 1 गार्लिक नान, अगर अच्छा खाना हुआ भाई कल भी यहीं खा लेंगे क्या जा रहा है ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक मेन्यू, देखो इंडियन चाय ये 50 की, मतलब 100 रुपये हो गए कुछ, जिंजर टी टमाटो सूप, फिर आपका आता है ये टोमेटो सूप हो जाएगा, टोमेटो सूप करवा दो, फिर एक समोसे 3 पीस 100 के, मतलब 2 मतलब डबल कर देना आप, ठीक है। फिर भाई ये सारा आ गया, मैंने क्या ऑर्डर किया वो दिखाता हूँ, पनीर बटर मसाला भाई ये है 250, मतलब 500 रुपये का, ठीक है अगर कुछ बचता है तो मैं पैक ही करा लूँगा, रात को भूख लगेगी तो खा लेंगे भाई। दाल फ्राई देखो भाई यहाँ पे सबसे सस्ती है ये दाल फ्राई 200 रुपये की, फिर आपके आते हैं बटर चिकन, सब है मतलब यहाँ पे, ठीक है चपाती गार्लिक नान
चिकन बिरयानी भाई, लस्सी, पानी, तो देख सकते हो आप मतलब ये रेट है जो मेरा अंदाज़ा था मतलब बिल्कुल सही था। तो यहाँ पे भाई आप मतलब इंडिया के मतलब मसाले वगैरह भी मिल जाते हैं, तो एक बार भाई मतलब रेट बता दो इंडिया के हिसाब से, जैसे मतलब ये कितने का मिलेगा जलजीरा वाला? इंडिया के हिसाब से तो नहीं पता है, इधर का। हाँ इधर का बताओ। इसमें 120, ये 120 यहाँ की करेंसी, 240 का हो गया मतलब लगभग। फिर भाई यहाँ पे मतलब इन सब का यही सेम ही रेट है लगभग? 100। अच्छा अच्छा, सबका 100 रेट। फिर आपके दाल वगैरह आ जाते, दाल वगैरह का एक बार 160 के एक किलो, ये हाफ। अच्छा 160 हो गया मतलब लगभग इंडियन। फिर तेल वगैरह? तेल 400 बहुत महंगा है ना यहाँ पे। अच्छा ठीक, नहीं वो समझ गया मैं, ठीक है भाई। अगर आप बताओ ये रेस्टोरेंट कब से है यहाँ पे? दो साल से। आप 2 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं मेरा 1.5 साल। तो यहाँ पे मतलब कौन आता है खाने ज़्यादातर? इंडियन, फॉरेनर, इंडियन, लोकल। लोकल भी आते हैं ज़्यादा? कौन आता है? सब ज़्यादा। नहीं नहीं, फॉरेनर ज़्यादा आते हैं, लोकल सब, सब लोग सब आते हैं। मतलब यहाँ पे सही चलता है इंडियन रेस्टोरेंट? और इसके अलावा भी कोई है यहाँ पे? नहीं एक ही है, एक ही है यहाँ पे पूरे नॉर्थ चौट में, मतलब पूरे मॉरिटेनिया में ही एक। अच्छा तो यहाँ पे भाई मतलब, और मतलब कि यहाँ पे अरबी लोग ज़्यादातर क्या ऑर्डर करते हैं? बिरयानी। चिकन करी वगैरह नहीं करते? वो भी खाते हैं, वो बस नॉर्मली लाइक करते हैं क्योंकि वो स्पाइसी रहता है, स्पाइसी इधर खाते नहीं है। अच्छा अच्छा, और मतलब यहाँ पे इंडियन लोग कितने आ जाते हैं भाई, मतलब दिन के कितने आ जाते हैं? दिन का कुछ ना कि नहीं रहता, कुछ हो तो 10-15 आ जाते हैं, कुछ हो तो कभी कुछ भी नहीं। अच्छा, और मैंने कल यार फ़ोन किया था यहाँ पे तो बंद था ये रेस्टोरेंट, कल बंद था? हाँ कल बंद। क्यों? हॉलीडे था। कल क्या डे था? मंडे को? मंडे। रोज हर मंडे बंद रहता है? 21 दिन के बाद। अच्छा हर 21 दिन, हर 30 मंडे को। अच्छा बंद रहता है, ठीक है। तो कल मैंने फ़ोन किया था यहाँ पे तो बंद था, तो अभी ये 2 साल से यहाँ पे रेस्टोरेंट इसके। मैं भी सोच रहा भाई मॉरिटेनिया में घूमने आया यहाँ पे, मैंने कहा यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट तो होगा नहीं, मैंने सर्च किया तो ये आ गया, तो मैंने कहा भाई एक बार देख लेते हैं यहाँ पे सहारा रेगिस्तान में भाई इंडियन रेस्टोरेंट। आप कहाँ से भाई? मैं गुजरात। अच्छा गुजराती लोग हैं सारे बिजनेस में? गुजरात में कहाँ से? राजकोट। राजकोट ठीक है, तो भाई यहाँ पे आपका रेस्टोरेंट है या मतलब कोई और? मेरे भाई का ही है। अच्छा भाई का ही है, वो कब से है यहाँ पे मोरेडी? वो उसको 6 साल हो गया। अच्छा ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखो तो भाई ये भी पैक कराने आ गए अपनी बिरयानी वगैरह, तो अब बैठते हैं और खाना खाते हैं। स्पाइसेस वगैरह का मैंने कुछ भी नहीं कहा कि मतलब तीखा बनाना, कम तीखा बनाना, कुछ भी, तो जैसा आएगा वैसा देखते हैं। तो ये आ गया भाई अपना टोमेटो सूप, और भाई बहुत ही बड़ी कटोरी आ रही है, तो मतलब जितना एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत बड़ी है यार ये तो। तो ये आ गई भाई अपनी 3 रोटी, 1 गार्लिक नान और अपना पनीर बटर मसाला। अभी तो भाई सूप ही ख़त्म नहीं हुआ, इतनी बड़ी कटोरी है भाई ये, वो थोड़ा गर्म है इसलिए धीरे धीरे पी रहा हूँ मैं। तो ये सूप तो भाई बेहतरीन है, टेस्ट बहुत अच्छा है भाई सच सच में, मतलब कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, खुद की जेब से पैसे दूंगा भाई, ठीक है स्पॉन्सर्ड नहीं है। सूप बहुत अच्छा है, अभी टेस्ट करेंगे तब ये भी बता देंगे भाई कैसा। तो भाई पूरा तो मेरे से खाया नहीं गया, पहले तो यही बहुत बड़ा है, फिर नान बहुत हैवी था, फिर 1 रोटी खा ली मैंने और 70% नान खा लिया, और जो बचा था मैंने कहा भाई पैक कर दो, रात को भी भूख लगी क्योंकि अभी टाइम हो रहा है बस 7:30, दिख रहा है नहीं दिख रहा पता नहीं, 7:30 टाइम हो रहा है अभी, 10-11 बजे दोबारा भूख लग जाएगी भाई मूवी देखते देखते एडिटिंग करते करते, तो मैंने कहा तब थोड़ा गर्म करके हॉस्टल में खा लिया जाएगा या फिर ना भी खाएगा तो सुबह खा लेंगे, रोटी कौन सी ख़राब हो रही है, रो नहीं रहा मैं डकार आ गई थी, रोटी कौन सी ख़राब हो रही है भाई, अपना गर्म करें दोबारा खा लेंगे। तो पैक करा लिया भाई हमने, बिल पे कर देते हैं बस, 430 रुपया। आपका क्या नाम भैया? मेरा नाम अरविंद सिंह।
अरविंद तू कहाँ से? उत्तराखंड। उत्तराखंड से? आप कहाँ से? मैं तो दिल्ली से। उत्तराखंड में कहाँ से? चमोली। बद्री चमोली, ठीक है। बद्रीनाथ से कहाँ पहुँच गए? यहाँ मोरिटेनिया में। कब आए यहाँ पे? 2 साल हो गए मेरे को। अच्छा, तो यहाँ पे कैसे आ गए? मतलब ऐसी वैकेंसी थी, वो आ गए। अच्छा, ठीक है, चलो सही है। यहीं सेटल होने का प्लान है क्या? क्या कहीं होता है? नहीं, 1 साल हो गया। फिर गांव आएंगे वापस? क्यों? जॉब खाई खाली रहती तो। अच्छा, बढ़ जाते हैं। चलो ठीक है अरविंद भाई, चलते हैं, मिलते हैं शायद कल दोबारा। चलो भाई, हमने करा लिया पैक, खा लिया खाना भाई। अरविंद भाई 2 साल से यहाँ पे, उत्तराखंड से। मैंने कहा भाई कहाँ, उत्तराखंड के बद्रीनाथ से यहाँ पहुँच गए मोरिटेनिया भाई। मैं हैरान, मैंने कहा भाई, अरे भाई देखो यार क्या बादल हो रहे हैं, वाह। फोटो बनती यार इसकी, फ़ोटो खींचता हूँ। चलो इस वीडियो करते हैं यहीं पर ख़त्म। इंडियन रेस्टोरेंट का आपने एक्सपीरियंस देख लिया। खाना बहुत, मतलब मेरे को लग रहा है 430 रुपये ना दो बंदे खा लेंगे यार। हमेशा मैं अकेला होता हूँ ना, तो इसलिए बिल थोड़ा ज़्यादा ही आता है, मतलब एक बंदे के हिसाब से ज़्यादा लगता है। पर अगर दो बंदे भी होते हैं ना, तो आराम से 430 में खा के चले जाते हैं भाई। तो ये मेरे को लग रहा है फॉरेन की कंट्री में मेरे को सबसे सस्ता रेस्टोरेंट मिला है अभी तक का। तो इस वीडियो करते हुए ख़त्म। आई होप वीडियो सही लगी हो आपको, अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कभी नहीं कहता मैं, पर मन करे तो कर दिया करो। चलो अब चलते हैं अपने हॉस्टल वापस, एडिटिंग वगैरह करते हैं।